तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं यहाँ पर आज का BTST की। हम यहाँ पे क्या प्लान करते हुए दिखेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे कल के BTST की। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक IGL जो स्टॉक था वो हमारे बिल्कुल रेडार पे था, एंड जो ऊपर आज सुबह काफ़ी अच्छा डिसेंट रिटर्न यहाँ पर हमें देखे गया। अब उससे पहले आज का जो दिन है हमारा कैसा गया, काफ़ी डिसेंट गया। अब ये जो एक पर्टिकुलरली डाउनफॉल देख रहे हो, ये हमने एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे पकड़ा था। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एकदम टॉप पे था, कि यहाँ पे कितने पे था मार्केट, 47,180 के आसपास था। तो यहाँ पे था कि भाई एक हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने मिल सकता है। एंड उसके बाद आपके सामने ये पीछे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि किस हिसाब से यहाँ पे जो टारगेट यहाँ पे अचीव हुए। तो यहाँ पे हमें काफी अच्छा बहुत डिसेंट गेन हमें यहाँ पे देखने मिला। तो मेक श्योर, तो इसलिए क्या होता है कि मेरे को भी कॉन्फिडेंस आता है जब आप क्या करते हो, वीडियो को लाइक करते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हो। सो 150 प्लस लाइक्स का यहाँ पे टारगेट ले लेते हैं एंड 40 प्लस सब्सक्राइबर हम लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं। तो मेक श्योर कि ये अचीव कर लेना। आज के यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट में हमें क्या देखने मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे देखो मार्केट की जो रैली है वो बहुत एकदम स्ट्रांग है। देखो यहाँ पे अनटिलनेस मार्केट ने कोई इंडिकेशन नहीं दिखाया कि वो नीचे की तरफ आने वाला है, लेकिन हो सकता है कि स्मॉल माइनर जो करेक्शन है वो दे सकते हैं। माइनर बोल रहा हूं क्योंकि डाउन ट्रेंड नहीं, जो ट्रेंड है वो यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे समझ लेना। क्योंकि मार्केट में जो भी डिप आ रहा है वो यहां पे बाय हो रहा है, लेकिन अगर यहां पे देखोगे तो ये प्रीवियस हाई के इस बार यहां पर नहीं जा पा रहा। तो अगर मार्केट 47,100, क्योंकि BTST में यहां पे याद रखना कि मार्केट खत्म होने में भी अभी भी 1 घंटा है, तो अगर मार्केट 47,100 के नीचे या 47,000 के नीचे कंटिन्यूस मेंटेन रह सकता है, तो यहां पे हम लोग क्या है, एक थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ेगी। यहां पे व्यू है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का हो रहा है, कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन प्रॉफिट अगर जिस दिन ये बेस टूटा तो उसके दिन यहां पे ये जो रीटेस्टिंग है वो हो सकती है, लेकिन अभी जो रीसेंट प्रेजेंट सिनेरियो पे वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर नहीं बात करेंगे निफ्टी 50 की भी, निफ्टी 50 ने भी काफी अच्छी यहां पे रैली दी है, तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई आके देखो प्रॉफिट तो बुक करेगा। यहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ, जिन लोगों को एंट्री नहीं मिली थी उन लोगों को एंट्री वापस मिली वहां से। तो यहां से क्या है, छोटा सा स्मॉल, तो करेंटली कल के लिए मेरा व्यू थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का है, पर क्वांटिटी मैनेज करके डालना। अगर आप लोग एक्सपायरी पे खेल रहे हो तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी प्रीफर करो, नहीं तो मैं सबसे बेस्ट बताता हूँ कि पेपर ट्रेड करो, देखो कि एनालाइज करो कि यार ये जो चीज़ है ये एकदम राइट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, उस चीज़ के साथ पेपर ट्रेड में क्या फैमिलियर हो जाओ, फिर जब कॉन्फिडेंस आएगा तब आप रियल मनी से करो। तो यहाँ पे क्या है, करेंटली मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि क्या मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मार्केट गया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर दोबारा न्यू हाई पे नहीं जा पा रहा, तो मार्केट का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा स्लाइट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तक का बन रहा है। याद रखना ये प्रॉफिट बुकिंग है, तो मेक श्योर इसी के चार्ज मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लिटिल बिट बियरिश नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का है। तो आप पूछोगे सर क्या ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, इन द मनी एट द मनी, जो आपके बजट में आता है वो ले सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा वो नेक्स्ट एक्सपायरी का रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या प्रीमियम डीके नहीं लगेगा। बट दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।